Hi everyone, so welcome back to general training letter writing. As you can see in the picture in the GIF that a letter is being written here. So here also we are going to discuss a letter today, and of course it is the second part of complaint letter. We have already discussed complaint letter in the previous video which we did earlier. So let's begin the task. So this is your question. You have received a letter from your bank asking you to acknowledge receipt of a new bank card. However, the card was missing from the envelope. Write a letter to the bank's head office. In your letter, explain why you are writing. Express concern about the missing card. Ask them what they intend to do. Please analyze the question. I'll give you a few seconds. So, आपको बैंक आपके बैंक से एक लेटर मिला है और आपको रिसीट को एक्नॉलेज करना है न्यू बैंक कार्ड की. लेकिन जब आप एनवेलप खोलते हैं तो आप क्या देखते हैं? ओह माय गॉड, द कार्ड इज मिसिंग. उसमें कार्ड ही नहीं है, एक्नॉलेज क्या करेंगे, है ना? अब आपको लेटर लिखना है टू द बैंक्स हेड ऑफिस. जो हेड ऑफिस है, ऑफ कोर्स आप लेटर लिखेंगे क्योंकि कार्ड का सवाल है, एंड एक्शन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेना है. ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी बताया है, तीनों पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे. एक्सप्लेन व्हाई यू आर राइटिंग. सेकंड, एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द मिसिंग कार्ड. एंड थर्ड, आस्क देम व्हाट दे इंटेंड टू डू. पहला, ऑफ कोर्स इंट्रो में हम सब्जेक्ट ही लिखते हैं, अलग से सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता जीटी राइटिंग में. आप इंट्रो में ही सब्जेक्ट लिखते हैं कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं. दूसरा, मिसिंग कार्ड के बारे में आपको अपनी चिंता बतानी है कि आपको इसके बारे में क्या डर लग रहा है, क्या आपकी टेंशन है. और लास्ट में डेफिनेटली आपको ये बताना है कि आप क्या चाहते हैं कि बैंक इस रिगार्डिंग क्या करें. सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी द इंट्रो. As I told you, intro में क्या आएगा? Intro में आएगा reason हम letter क्यों लिख रहे हैं. Subject आता है, subject अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप हमेशा ऐसे start कर सकते हैं जब आप उन्हें बता रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ. So I'm writing to inform you that, मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ ये inform करने के लिए कि I received a letter from my bank today which was supposed to contain my new bank card. मतलब मुझे एक लेटर मिला बैंक से जिसमें मेरा बैंक कार्ड होना चाहिए था. Unfortunately, दुर्भाग्यवश उसमें कोई बैंक कार्ड नहीं था. एनवेलप के अंदर enclosed नहीं था, अटैच नहीं था. जब मैंने एनवेलप खोला तो उसमें कोई बैंक कार्ड अटैच enclosed नहीं था. So don't you think? Through this introduction, it is becoming very clear that letter क्यों लिखा गया है. Letter क्यों लिखा गया है? I am writing to inform you that I received a letter from my bank today, जिसमें मेरा bank card होना चाहिए था, लेकिन unfortunately उसमें enclosed नहीं है bank card. Let's see the body paragraph. हमारा second point क्या बोल रहा था कि अब आपको बताने कि आपने के लिए किया क्या. I telephoned the bank to explain the problem. मैंने उन्हें फ़ोन किया, but I could not get through to the right department. लेकिन मेरी कॉल राइट डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट इससे कंसर्न्ड है. आपको पता है बैंक्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो जो बैंक इससे रिलेटेड है, कार्ड से रिलेटेड जो उसका डिपार्टमेंट है, उससे मेरी बात नहीं हो पाई. Even though I waited on the line for over half an hour, जबकि मैं फ़ोन की लाइन पर वेट करता रहा करीबन हाफ एन आवर, आधा घंटा, तब भी मेरी बात डिपार्टमेंट, जो सही डिपार्टमेंट था, इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट था, उससे नहीं हो पाई. विच वॉज एक्सट्रीमली अनोइंग, जो रियली एक नाराज करने वाली बात है. ऑफकोर्स आपको दुख होगा जब आपके लिए इतना सीरियस मैटर है और बैंक की तरफ से यू आर नॉट गेटिंग अ
पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो यहां हमने बताया कि हमने क्या किया। अब हम इस प्रॉब्लम को अपना कंसर्न क्वेश्चन है, इफ वी सी हियर, आपको बोला था एक्सप्रेस कंसर्न, आपकी क्या चिंता है इस मिसिंग कार्ड, आपको क्या टेंशन हो रही है इस बारे में। तो ये कंसर्न है कि इन द लेटर यू आस्क मी टू एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ द कार्ड, आपने कहा था कि रिसीट को एक्नॉलेज करना है, बट ऑब्वियसली आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तो कार्ड मिला ही नहीं है, तो मैं रिसीट को कैसे स्वीकार करूं। आई एम नाउ वेरी वरीड, अब हमारी चिंता कि हम किस लिए टेंस्ड है, कंसर्न मतलब चिंता। आई एम नाउ वेरी वरीड बिकॉज इट इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब हो सकता है दैट माई कार्ड हैज गॉन टू अनदर कस्टमर और गॉट लॉस्ट, हो सकता है कि मेरा कार्ड किसी दूसरे कस्टमर के पास चला गया है या फिर घूम गया है। What will happen if somebody has already used the card and spent my money? Definitely सबसे बड़ी टेंशन तो यही होगी और हम बैंक से पूछना चाहेंगे कि क्या होगा अगर किसी ने मेरा बैंक कार्ड यूज़ करके पैसे खर्च कर दिए। Will the bank repay me? मेरे अंदर एक और क्वेश्चन आ रहा है कि क्या फिर बैंक उसके लिए मुझे पे करेगा। तो ये मेरी चिंताएं हैं, these are my worries, these are my concerns for the same, कि मेरे मन में क्या क्या concerns आ रहे हैं। अब देखें, अब फाइनली हमें ये बताना है कि आप हम क्या चाहते हैं कि बैंक क्या करे। व्हाट आई वांट बैंक टू डू, इज इट पॉसिबल फॉर द बैंक टू कैंसिल दिस कार्ड सो नोबडी एल्स कैन यूज इट, आप उनसे पूछ रहे हैं। नॉर्मली हम बैंक में जाते तो इसी तरह नहीं पूछते कि क्या ऐसा हो सकता है, तो यहां भी वैसे ही लिखा है, इज इट पॉसिबल फॉर द बैंक टू कैंसिल दिस कार्ड सो नोबडी एल्स कैन यूज इट, क्या बैंक के लिए पॉसिबल है कि उसे कैंसिल कर दें ताकि उसे कोई यूज ना कर पाए। कुड यू, अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कुड से स्टार्ट हो सकता है, हम उनसे पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं, जैसे हमने इज इट पॉसिबल लिखा उसका भी मतलब होता है क्या ये पॉसिबिलिटी है। कुड यू का भी मतलब है कि क्या ऐसा हो सकता है। कुड यू ऑल्सो सेंड मी अ न्यू कार्ड बाय सिक्योर मीन्स, क्या आप मुझे एक नया कार्ड भेज सकते हैं सेफ तरीके द्वारा या सिक्योर मीन के द्वारा। लास्ट में आई होप टू हियर फ्रॉम यू सून, हम इसे एंड कैसे करेंगे, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा जल्द, आई होप आपका जवाब जल्द से जल्द आ जाएगा। आई होप टू हियर फ्रॉम यू सून, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, आप किसी भी तरीके से एंड कर सकते हैं। एंडिंग हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, देयर इज अ कंप्लीट स्लाइड ऑन दैट हाउ टू एंड योर लेटर। सो आई होप दिस लेटर इज क्लियर टू यू, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 3 पॉइंट्स वेरी क्लियरली सो दैट एग्जामिनर फील्स हैप्पी व्हाइल करेक्टिंग योर आंसर। टिल देन कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।